दोस्तों, प्रिपरेशन कोचिंग करना आज हमारे इंडिया में ये शब्द बहुत आम हो चुका है। हर कोई इंटर करने के बाद प्रिपरेशन करने के लिए, कोचिंग करने के लिए किसी ना किसी सिटी में जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको ये बात मालूम है कि आजकल हमारे इंडिया में बहुत सारी ऐसी कोचिंग्स हैं जो चीटिंग करते हैं, जो फ्रॉडी करते हैं और उसके बाद में हम एडमिशन लेके उसमें फंस जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कौन सी कोचिंग अच्छी होती हैं और कौन सी खराब होती हैं और कैसे कोचिंग्स में चीटिंग होती है और कैसे हम एडमिशन लेके उसमें फंस जाते हैं। दोस्तों, आज की इस पूरी वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। और दोस्तों, ये वीडियो स्टूडेंट के लिए बहुत खास है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, तभी समझ पाएंगे। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त मंसूर आलम, चलिए इस पर बातें करते हैं। दोस्तों, कोई भी स्टूडेंट जब इंटर पास करता है तो किसी न किसी सिटी में एडमिशन लेने के लिए, कोचिंग में एडमिशन लेने के लिए वो जाता है। तो वो नया नया होता है, उसको मालूम नहीं रहता कौन सी कोचिंग अच्छी है, कौन सी कोचिंग ख़राब है, किस में हम एडमिशन लें, किस में ना लें। तो स्टार्टिंग में एक महीने हर कोचिंग में डेमो क्लास चलता है कि आइए आप हमारे कोचिंग में पढ़िए, अगर आपको हमारी कोचिंग सही लगे, अगर आपको बेहतर लगे कि हाँ टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, सही पढ़ाते हैं, आपको समझ में आए तभी आप एडमिशन लीजिए, वरना ना लीजिए। तो ऐसे में क्या होता है, स्टार्टिंग में जितने भी टीचर होते हैं कोचिंग में, वो बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत ही ढंग से पढ़ाते हैं और कोचिंग का डायरेक्टर मैनेजर उन्हीं टीचर्स को लगाता है जिनको वो टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार होती है। और हमें क्या लगता है कि टीचर्स तो यहाँ पे टाइम पे आते हैं, टाइम से पढ़ाते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, हमें समझ में आता है और सिलेबस पूरा अच्छे टाइम पे ख़त्म हो जाएगा, रिविज़न भी कराते हैं और उसके बाद में वो एक टाइम टेबल भी बना के कोचिंग के बाहर टांगे रहते हैं कि देखिए हमारे यहाँ तो सिलेबस 2 महीने पहले ख़त्म हो जाता है, उसके बाद में हम रिविज़न भी कराते हैं। तो ऐसे में हम उस कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद में पता क्या चलता है कि वो कोचिंग तो फ्रॉड है, उसमें तो टीचर अच्छे से आते ही नहीं हैं, पढ़ाते ही नहीं हैं, सिलेबस टाइम पे नहीं ख़त्म होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। दोस्तों, ऐसे में क्या होगा, हमें इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए। आप जब किसी भी सिटी में पहले जाइए तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी कोचिंग अच्छी है, तो आपको तो ये मालूम रहता नहीं है। तो आप किसी ऐसे बंदे से मिलिए जो आपके इलाके का हो, आपके गांव का हो, जो उस सिटी में पहले से रहता हो और कोचिंग्स के बारे में अच्छे से जानता हो। जब आप उससे मिलेंगे तो वो बताएगा आपको कि कौन सी कोचिंग अच्छी है, कौन सी नहीं सही है, क्योंकि वो वहाँ पर रहता है तो उसको वो सारी बातें बहुत अच्छे से मालूम रहती है। तो जब आप उससे मिलेंगे तो वो आपको बताएगा तो आप अच्छी कोचिंग में एडमिशन ले पाएंगे। और डेमो क्लास तो आप लेकर बिल्कुल पहले धांधलेबाजी करके, जल्दबाजी करके आप एडमिशन मत लीजिए, क्योंकि मैंने बताया कि डेमो क्लास बहुत ही अच्छे से वो लेते हैं और आपको सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन जब आप एडमिशन करा लेंगे तो फिर ऐसा आपको प्रतीत होगा कि यहाँ पर तो कुछ मतलब सही से है ही नहीं है। तो आप अगर किसी सीनियर से मिलेंगे, आप कोचिंग्स के बारे में जानकारी करेंगे तो वो आपको बताएगा कि हाँ कौन सी कोचिंग अच्छी है, कौन सी कोचिंग ख़राब है। और एक चीज़ ये कि पैसों के मामलों में भी बहुत सारी घपलेबाजी होती है, किसी से उसी सिलेबस का 50,000 ले लिया जाता है, किसी से उसी सिलेबस का 30,000 ले लिया जाता है, किसी से उसी सिलेबस का 20,000 ले लिया जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, जो बच्चा नया रहता है, जिसको कोचिंग के बारे में कुछ मालूम नहीं होती है कि कौन सी कोचिंग में कितना पैसा लगता है, तो नया रहता है और वहाँ पर जाकर वो 50,000 या 40,000 जो भी देके एडमिशन ले लेता है। लेकिन जब आप किसी ऐसे बंदे के साथ में जाएंगे कि जिसको पूरी जानकारी होगी तो वो आपका पैसा भी कम करा देगा, आपके पैसे भी ठीक ठाक लगेंगे और आपकी अच्छी कोचिंग में एडमिशन भी हो जाएगी। क्योंकि नए नए बच्चों को कुछ मालूम नहीं होता कि कोचिंग का रेट क्या है, क्या चलता है, और वो जल्दी जल्दी में जाकर एडमिशन ले लेते हैं तो ऐसे में फंस जाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आप, मुझे लगता है कि आप ये वीडियो सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए ताकि उनको मालूम हो कि किस तरह से कोचिंग में चीटिंग होती है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि आप ऐसी वीडियोस पाते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।